बच्चों नमस्कार, आप सभी का सोम बेसिक कॉन्सेप्ट 11th की केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का आज लेक्चर नंबर 2 होंगे। पिछले क्लास में हम लोग समझा था कि केमिस्ट्री किसको कहते हैं। केमिस्ट्री में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो एटम्स, मोलेक्यूल्स, आयंस, ये सब के कंपोजिशन पर जो बात करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, केमिस्ट्री कहते हैं। या हम एक सिंपल मैनर में कह सकते हैं कि केमिस्ट्री हम उसको कहते हैं जो मैटर के ऊपर बात हो। जितना भी मैटर के ऊपर बात होगा वो सब किसके में, केमिस्ट्री में होगा। आज हम बात करते हैं कि सम बेसिक कंसेप्ट में आज हम लोग देखेंगे कि मैटर क्या, किससे बना हुआ है, एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, ये सब सारी बातों पर आज हम ध्यान देंगे। और ये भी देखेंगे कि किस एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, प्रोटॉन कितना होता है, इस पर ध्यान देंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो पहला हमारा सवाल उठता है कि मैटर क्या है। देखिए, मैटर जो बना हुआ है वह स्मॉलेस्ट, सबसे मैटर की स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है बाबू यह होता है एटम। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जॉन डाल्टन, इन्होंने एटम के बारे में सारी जानकारी दिया कि सबसे बेसिक यूनिट जो होगा मैटर बनने से पहले, मैटर जो होगा वह क्या होगा कि बेसिक यूनिट्स होगा, यूनिट से क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल्स होगा, और मॉलिक्यूल्स से जाकर के हम लोग को जो बना होगा कोई चीज़ मैटर बनेगा। क्योंकि मैटर हम उसको कहते हैं जो स्पेस ऑक्यूपाइड करता है, जिसमें वॉल्यूम होता है, मास होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो मैटर की सबसे बेसिक या स्मॉलेस्ट यूनिट जो हुआ यह एटम होता है। तो अब हम लोग समझेंगे कि एटम आखिर होता क्या है। तो एटम को समझने के लिए हम लोग आइए देखते हैं कि एटम क्या है। तो एटम क्या होता है बेसिकली, एटम देखिए, एटम जो होता है वह स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मैटर का, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर आर कॉल्ड एटम। सबसे जो मैटर जो बना होगा पदार्थ, जैसे कि मान लिया जाए कि कोई बिल्डिंग बनता है, तो बिल्डिंग बनाने में बालू, सीमेंट, ईंट लगता है, उसी प्रकार मैटर, कोई भी मैटर बनता है वह एटम्स बनता है। और एटम्स आखिर है क्या। एटम्स को जॉन डाल्टन, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने एटम्स के बारे में बताया था कि एटम्स को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये कोई एटम है, इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन कुछ समय बाद बहुत चैंडविक आ गए, बहुत रदरफोर्ड, ये सब आने के बाद पता चला है कि हम जो है एटम्स को डिवाइड भी कर सकते हैं। तो एटम्स को, जो एटम्स जो होगा वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होगा, वो भी कुछ ना कुछ कम चीज से बना होगा। तो एटम्स जो बना रहता है वो कंसिस्ट रहता है तीन चीज का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यह तीन चीज से मिलकर के कोई भी एटम्स बनता है। तो अब एटमे से मैटर बनता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज है वो मैटर है, जिसको आप टच कर दे रहे हैं, जिसमें मास है, वजन है, इस सारा का सारा क्या है, मैटर है। तो यह मैटर जो कंपोजिशन होगा वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होगा। देखिए कि मैटर किस प्रकार होता है। देखिए, यह जो है यह पार्ट्स ऑफ क्या है, एटम्स है। एटम्स में प्रोटॉन भी है, उसके बाद क्या है, न्यूट्रॉन भी है, और क्या है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन क्या है, आउटर है। तो न्यूक्लियस में, एटम्स के न्यूक्लियस में जो रहता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, और अराउंडिंग जो रहता है, सराउंडिंग, वह इलेक्ट्रॉन होता है। और अब देखिए कि किस प्रकार हमारा एटम्स कोई भी मैन्युफैक्चरिंग होता है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार है। देखिए, तो कोई भी एटम्स जो होगा वह क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही मिलकर के बना होगा। तो एटम्स जो होता है वह नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, वह अकेले नहीं रहता है, वह किसी न किसी झुंड में रहता है। उस झुंड को जो कहा जाता है वह मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। एटम्स जो होता है बाबू
वह क्या होता है, स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वह एटम होता है, और एटम्स जो होता है वह झुंड में रहता है जिसका नाम है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स भी जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, जैसे हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स जो होता है, पहला का नाम होता है मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, तीसरा जो होता है जिसका नाम है पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। मोनोएटॉमिक उसको कहते हैं जो एक एलिमेंट है, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल हम देख रहे हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, नाइट्रोजन, ईटीसी, इस प्रकार के रहेगा तो उसको कहेंगे मोनोएटॉमिक कहेंगे। डायएटॉमिक, डाई माने दो, एग्जांपल देखिए जैसे दो एलिमेंट, दो गल रहेगा जैसे कि H2, जैसे I2, F2, यह क्या हो गया, यह सब जो है यह मोनोएटॉमिक है, जैसे कि आप HCl, KCl, ये सब क्या है, मोनोएटॉमिक है। पोलोएटॉमिक माने दो से ज़्यादा एलिमेंट्स रहेंगे उसको क्या कहेंगे, पोलोएटॉमिक, जैसे कि H2SO4, जैसे कि AgNO3, PO4, ये सब जो होंगे यह क्या होंगे, पोलोएटॉमिक। अब हम समझेंगे कि एलिमेंट्स किसको कहेंगे, कंपाउंड किसको कहते हैं। सिमिलर एटम जब एक से ज़्यादा हो जाए, सिमिलर एटम जब एक से ज़्यादा हो जाता है तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं पॉलीएटॉमिक। उस चीज़ को क्या कहेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पर आप देख रहिएगा कि H2, I2, F2 है, ये सब क्या है, एक ही चीज़ है लेकिन एक से ज़्यादा है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, एलिमेंट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एलिमेंट कहते हैं। लेकिन एक से ज़्यादा दो डिफरेंट जो एलिमेंट्स, एटम्स होगा या मॉलिक्यूल्स होंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, उसको हम लोग कंपाउंड कहेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर आप देख रहिएगा, ये क्या होगा, कंपाउंड होगा, ये सब क्या होगा, कंपाउंड होगा। तो हम लोगों ने देखा कि कंपाउंड क्या है और मॉलिक्यूल्स क्या है, उसको हम लोगों ने समझने का क्या किया, प्रयास किया। देखिए हमने यही देखा कि अगर सिमिलर एटम्स एक से ज़्यादा है तो क्या होगा, एलिमेंट होगा, डिफरेंट आ गया तो क्या कहलाएगा, यह जो कहलाएगा यह क्या हो जाएगा, कंपाउंड होगा। तो बड़ी कन्फ्यूजन आता है, तीन वर्ड में कन्फ्यूजन होता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट एंड क्या चीज, कंपाउंड। सारा का सारा जो चीज होगा वो किस चीज से बना होगा, एटम से हुआ। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है मैटर का, उसको हम लोग एटम्स कहते हैं। अब एटम्स जो होते हैं, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि एटम्स जो होते हैं वह क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स कंसिस्ट मतलब मेड अप, कंसिस्ट ऑफ किस चीज से रहता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और क्या चीज़ से, न्यूट्रॉन से। हम लोगों ने यह समझा कि जो कोई भी मैटर है वह किस चीज़ से रहेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन को जो चीज़ है वो एकदम होवे करेगा, यह तीनों जो चीज़ है यह क्या होगा, एकदम होवे करेगा, तब ये एटम्स बना होगा। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल्स में अगर सिंगल है तो मॉलिक्यूल्स, डबल है तो एलिमेंट, ट्रिपल है तो कंपाउंड, या तीन से ज़्यादा डिफरेंट है, तो कोई भी मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं
एलिमेंट्स के, तो कोई भी एलिमेंट्स जो होते हैं, कोई भी एलिमेंट्स जो होते हैं, इस एलिमेंट्स को एक्स, एक्स जो होता है यह क्या हो रहा है समझिए, यह कोई एलिमेंट का डिनोटेड है, यह क्या होगा, यह जो होगा यह एलिमेंट होगा, ठीक है, यह जो होगा एलिमेंट होगा। और हम लोग जेड जो लेते हैं, जेड यह जो होता है, जेड जेड जो होता है यह होता है हमारा एटॉमिक नंबर, जेड क्या होगा, जेड को डिनोटेड करते हैं एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक नंबर से डिनोटेड करते हैं। और एक होता है ए, ए को जो होता है इसको हम लोग डिनोटेड करते हैं, ए को डिनोटेड करते हैं हम लोग एटॉमिक मास नंबर से, एटॉमिक मास नंबर से इसको डिनोटेड करते हैं। तो हम लोगों ने तीन चीज समझा कि एक्स को एलिमेंट से, ए को एटॉमिक मास से, जेड को एटॉमिक नंबर से। कभी कभी बच्चा क्या करता है कि एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय ऑप्शन ए ए, ऑप्शन बी जेड, ऑप्शन सी पी, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन, तब बच्चा फट से मार देगा, एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोटेड किया जाता है। तो आगे चलते हैं और एक चीज़ और समझेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं कि डिनोटेड कैसे करते हैं। एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि लिए कार्बन, कार्बन का परमाणु संख्या जो होता है एटॉमिक नंबर वो 6 होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है 12 होता है। इस प्रकार जो मेरा लिखना जो है वह सही है, अगर हम इस प्रकार लिखते हैं C6 और 12, इस प्रकार लिखना गलत है। क्यों लिखना गलत है, क्योंकि हम जो डिनोटेड, हमारा जो माइंड कह रहा है कि हम लिखे हैं कि कार्बन जो है उसका 6 एटॉमिक नंबर है, लेकिन जो अगला आदमी यह समझ रहा है कि कार्बन जो है वह 6 गो है, इसीलिए इस प्रकार लिखना गलत है। आप इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको इस इधर डिनोटेड कर सकते हैं, लेकिन आप इस प्रकार आप नहीं लिख सकते हैं। फिर से समझिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल हम लिए, मान लिया जाए कि हम लेते हैं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, एटॉमिक मास नंबर कितना होता है 14। अगर हम इस प्रकार लिखें तो सही है, अगर हम इस प्रकार लिखें N7 और इस प्रकार लिखते हैं 14, तो आपने इसको सही लिखा, ये इधर या इधर लिख सकते हैं, लेकिन इधर हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, लेकिन अगला समझने वाला बोल रहा है कि ना नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 नहीं है, 7 गो नाइट्रोजन है, इसीलिए सही तरीका जो है यह है। अब हम लोग समझते हैं आगे कि एटॉमिक नंबर पर बात करते हैं, तो हम लोगों ने यह समझा कि एटॉमिक नंबर को डिनोटेड किए हैं जेड से और एटॉमिक मास नंबर को ए से, एक्स को एलिमेंट के। तो एग्जाम्पल एक और लेते हैं, एग्जाम्पल ले लिए, जैसे कि हम लिए कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वह 20 होता है और एटॉमिक 40 होता है। तो हम फाइंड करेंगे कि कैल्शियम जो होगा, कैल्शियम जो होगा, अगर कोई कैल्शियम एटम्स है से बना हुआ है कैल्शियम, तो यह कैल्शियम सिंगल है तो उसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, तो अगर ये मॉलिक्यूल्स है तो हम लोग पढ़ें कि एटम्स जो होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंसिस्ट होगा, तो यह हम समझेंगे कि कैल्शियम जो होंगे वह कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होंगे, इस बातों पर चर्चा करेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें तो कैल्शियम जो है वह 20 है और उसका एटॉमिक मास नंबर जो है वह 40 है, तो हम लोग एटॉमिक नंबर को डिनोटेड किससे किया है, जेड से, तो क्या हम जेड इक्वल टू 20 लिख सकते हैं, क्या एटॉमिक मास, जेड क्या है एटॉमिक नंबर है, फिर से समझा रहे हैं कि जेड क्या है, घबराए नहीं, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है, और ए जो है यह क्या है मास नंबर है, एटॉमिक मास नंबर है, मास नंबर ये कितना है 14 है, 40 है। तो हम समझे, फिर अगला हम एग्जांपल ले रहे हैं, आगे एग्जांपल ले रहे हैं, अगर हम मान लिया जाए एग्जांपल लिख, एग्जांपल लिख रहे हैं कि अगर कोई मान लिया जाए कि इस प्रकार लिखा सोडियम, तो सोडियम का कितना होता है
11 एटॉमिक नंबर होता है, 23 उसका क्या होता है मास नंबर होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं जेड इक्वल टू 11 और ए इक्वल टू कितना 23। आइए अगला एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल में क्या है कि अगर आपके सीधे जेड इक्वल टू लिख दिया है 15, तो आपको समझ जाना होगा कि जेड इक्वल टू 15 है, इसका मतलब कोई आदमी नहीं है, फास्फोरस है जिसका एटॉमिक नंबर 15 होता है और मास नंबर 31 होता है। अगर एग्जांपल मान लिया जाए कि कहीं लिखा रहे कि जेड 19, तो आपको समझ जाना है, किसी से पूछने नहीं जाना है, आपको समझ जाना है कि अगर जेड 19 लिखा है मतलब एटॉमिक नंबर लिखा है तो वो किसका होगा, पोटेशियम का होगा, तो हमको फर्स्ट सेकंड क्या लिख देना होगा, पोटेशियम 19, इसका होता है लमसा 39 मास नंबर। तो अगर आपके एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर आपके कहीं लिखा रहेगा ए इक्वल टू मान लेते हैं लिखा रहेगा 27, तो आपको समझ जाना है, किसी को कहना नहीं है, आपको समझ जाना है कि ए जो है वह ये 27 है, इसका मतलब क्या है, मास नंबर 27 है, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर जो है वह कितना है, एटॉमिक मास नंबर 27 है, इसका मतलब यह कोई नहीं, यह एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है और 27 रहता है। इस प्रकार हम लोग समझेंगे। अब हम यह समझेंगे कि कोई भी एलिमेंट एटम्स का या हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो है एटम से बना हुआ है, तो वह मॉलिक्यूल्स का कितना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, तो ध्यान देंगे हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग जो डिनोटेट करते हैं ई से ई नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन को जो डिनोटेट करते हैं वह किस से करते हैं पी या पी पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन को जो डिनोटेट किया जाता है वो स्मॉल एन से किया जाता है, ये चार्जलेस होता है। अब हम ये भी आगे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, स्पिन क्या होता है, इसका डेंसिटी कितना होता है, इसका एंगुलर ऑर्बिटल क्या होता है, सारा चीज़ बात करेंगे। अभी हम समझेंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल्स जो है या कोई भी जो कंपाउंड है उसमें एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना है, तो हम उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को पी से और क्या चीज़, न्यूट्रॉन को एन से। अगर हम एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान दीजिए एग्जाम्पल देते हैं, अगर हम लिखें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और एटॉमिक मास 14 है, तो जेड इक्वल टू क्या हम 7 लिख सकते हैं, क्या जेड इक्वल टू क्या 7 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। ए इक्वल टू क्या हम लोग 14 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, कहीं से किंतु परंतु नहीं है। तब अब अगर कोई चार्ज नहीं है माने एकदम न्यूट्रल है, कोई एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो है वह न्यूट्रल है, तो प्रोटॉन की संख्या जो होगा वह उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, मतलब कि प्रोटॉन की संख्या जो होगा उसके नंबर ऑफ किसके, प्रोटॉन के एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर कोई जो क्या है, अगर कोई न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो प्रोटॉन की संख्या जो होगा वह एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। तो हम लोग लिख भी सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, जब कोई चार्ज नहीं है एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं। जब हम इसको लिखने के बाद क्या होता है, तब हम इसको डील करेंगे तो क्या होगा, मेरा इसमें प्रोटॉन की संख्या जो होगा वह एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएगा, तो प्रोटॉन की संख्या कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर प्रोटॉन की संख्या 7 हो गया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू जो होता है, वह होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि प्रोटॉन की जो संख्या जो होता है वह उसके बराबर होता है। अब क्या है, सो देखिए, हैं
कि अब प्रोटॉन की संख्या, अगर प्रोटॉन की संख्या अगर हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है, तो प्रोटॉन अगर 7 है तो इलेक्ट्रॉन भी मेरा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, एकदम हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई चार्ज नहीं है, अगर कोई मॉलिक्यूल्स में या कोई कंपाउंड में या कहीं भी चार्ज नहीं है, तो क्या डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं नोट में कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट चाहे कोई भी चीज का अगर क्या, अगर उसका कोई चार्ज नहीं है तो प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, सब के सब क्या होगा, बराबर होगा। अब हम लोग समझते हैं एग्जांपल के थ्रू, एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए कि हम लिए सोडियम लिए, तो सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 11, और कितना लिखते हैं 23 होता है। तो हम जानते हैं कि जेड इक्वल टू कितना होगा 11, तो ए इक्वल टू कितना लिख देंगे 23। अगर कोई चार्ज नहीं है तो उतना ही कितना होगा, इलेक्ट्रॉन होगा एटॉमिक नंबर के बराबर 11, प्रोटॉन भी एटॉमिक नंबर के बराबर होगा 11। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर चार्ज नहीं है तो क्या होगा, सिमिलर होगा। फिर एग्जांपल अगला लेते हैं, अगर मान लिया जाए कि फास्फोरस लेते हैं, तो फास्फोरस के 15 और 31 होता है, तो जेड इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं 15, ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 31। तो क्या प्रोटॉन जो होता है वह एटॉमिक नंबर के बराबर होता था 15, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या जाएगा 15, एकदम हो जाएगा। अगला एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, अगर हम ले रहते हैं, हम ले रहे हैं मैंने नियोन, तो नियोन में हम कहेंगे कि बताइए कि नियोन जो एटम जो बना है मॉलिक्यूल्स, वह कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बने हुए हैं। तो एकदम नियोन का जो होता है 10 एटॉमिक नंबर होता है और 20 क्या होता है एटॉमिक वेट, तो क्या जेड इक्वल टू 10 लिख देंगे, क्या ए इक्वल टू 20 लिख देंगे, तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगा वह एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, तो प्रोटोनो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, एकदम क्लियर कट। अगला एग्जांपल, अगर हम मान लिया जाए कि हाइड्रोजन का लेते हैं, तो हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास नंबर भी 1 होता है, तो जेड इक्वल टू 1, तो ए इक्वल टू भी क्या चाहिए 1, तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होगा, जितना एटॉमिक नंबर है 1, तो जितना प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा 1, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगा जब कोई चार्जलेस न्यूट्रल कम जब मॉलिक्यूल्स है तब। अब हम लोग समझते हैं, एकाध दो एग्जांपल और देख लेते हैं। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हम ले लिए आपको सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का कितना होता है 14 होता है, 28 होता है एटॉमिक मास नंबर, तो जेड इक्वल टू 14, कोई चार्ज नहीं है तो उतना ही इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 14, प्रोटॉन इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं मास नंबर 28 लिख सकते हैं। फिर अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगला एग्जांपल हम ले लेते हैं सल्फर, तो सल्फर का अगर 16 होता है, इसका कितना होता है 32, तो सल्फर जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 16, और जेड जितना होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है तो 16, उतना ही प्रोटॉन होता है तो 16 हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 32। तो अभी हम लोगों ने समझा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या निकालना सीख लिया। अब जो हम जो आगे जो बात करेंगे वह हम बात करेंगे कि न्यूट्रॉन कितना होगा। हमको तो यह मालूम चल गया कि इलेक्ट्रॉन इतना होगा प्रोटॉन इतना होगा, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ही तो नहीं बना हुआ है, उसमें न्यूट्रॉन भी है, तो न्यूट्रॉन कितना है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग आगे जो चर्चा करने जा रहे हैं वह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के ऊपर बात करने जा रहे हैं, न्यूट्रॉन पर बात कर रहे हैं। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या होता है कि हम लोग समझे हैं कि यहाँ जो होता है यह जेड होता है, यहाँ ए होता है,
ठीक है। और यह जो होता है एटॉमिक मास नंबर होता है, एटॉमिक मास नंबर होता है, यह क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है। ध्यान दीजिए, तो अब हमारा न्यूट्रॉन निकालना जो है, न्यूट्रॉन इक्वल टू जो होता है वह होता है एटॉमिक मास नंबर माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसको हम और लिख सकते हैं कि न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एटॉमिक मास नंबर माइनस क्या लिख सकते हैं जेड भी लिख सकते हैं, या दोनों हो सकता है। यह समझा कि न्यूट्रॉन की संख्या अगर हमको निकालना है तो क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल टू क्या लिखेंगे, ऊपर में से नीचे घटा लो, एक सिंपल फंडा है, ऊपर माइनस नीचे नंबर ऑफ क्या होगा न्यूट्रॉन निकल जाएगा। आगे देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लिया जाए एग्जांपल ले लिए इसका, मान लिया जाए कि हम लिए कैल्शियम, तो कैल्शियम का 20 होता है और 40 होता है, तो हमको तो इलेक्ट्रॉन मालूम चल जाएगा कि 20 है क्योंकि एटॉमिक नंबर 20 है, प्रोटॉन भी मालूम चल जाएगा कि 20 है, लेकिन हमको न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या पढ़ा है ऊपर माइनस नीचे, तो 40 माइनस 20 तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। उसी प्रकार अगला एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लिया जाए कि हम ले लिए एल्यूमिनियम का कितना होता है 13 और 27, तो इलेक्ट्रॉन तो 13 हो जाएगा क्योंकि एटॉमिक नंबर 13 है, प्रोटॉन भी कितना आ जाएगा 13 हो जाएगा, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या ऊपर में से नीचे घटा था 13, तो कितना आ गया 14। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम लोगों को निकालना सीख लिए। तो हम यह समझें कि कोई भी एटम जो बना हुआ है वो तीन गो चीज़ से बना हुआ है, वह इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, और कितना इलेक्ट्रॉन और कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन से बना हुआ है वो भी हम लोगों ने आज सीखा। और हम बात करेंगे एकमात्र एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस मॉलिक्यूल्स में जो होता है वह इलेक्ट्रॉन भले न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होता है। तो देखते हैं हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिसका नाम है, आप जानते हैं हाइड्रोजन महाराज, तो हाइड्रोजन का एक होता, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन तो समझ गए कि इसमें एक हो गया, हम लोग ये भी समझ गए कि प्रोटॉन एक है क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन जब हम न्यूट्रॉन निकालेंगे तो ऊपर -1 तो क्या जाएगा 0। तो एकमात्र हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, एकमात्र हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें जो न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वह 0 होता है, न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है वह क्या होता है कि 0 है। अब हम यह समझेंगे कि आखिर एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, आखिर एटॉमिक मास किसको कहते हैं, एटॉमिक मास नंबर किसको कहते हैं, ये भी आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और ये भी अभी हम समझेंगे कि आखिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से एटम्स बना है तो क्या यह रहता कहाँ है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या है, समझेंगे कि कोई भी एटम्स के जो होता है एक सेंटर होता है, एक सेंटर होता है, यह सेंटर होता है, यह क्या होता है कि यह आउटर सरफेस होता है। तो सेंटर में क्या होता है, इसका नाम होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नाभिक कहते हैं हिंदी में, इसमें जो रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और इसके आउटर सरफेस पर जो रहता है सर्कुलर पाथ पर जो इलेक्ट्रॉन रहता है। जैसे मान लिया जाए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लिया जाए कि आप बताइए जरा कि सिलिकॉन में कितना इलेक्ट्रॉन, तो सिलिकॉन में 14 और कितना जाएगा 28, तो जेड इक्वल टू 14 तो उतना ही इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 14, प्रोटॉन इक्वल टू भी 14, लेकिन न्यूट्रॉन इक्वल टू कितना आ जाएगा 28 माइनस 14 तो कितना 14, माने कि सिलिकॉन जो एटम्स होगा उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो न्यूक्लियस में 14 को क्या होगा न्यूट्रॉन होगा, 14 को क्या होगा प्रोटॉन है, और इसका आउटर में जो होगा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कितना होगा 14 होगा। तो इस ना हम समझें, अब हम समझते हैं
कि आखिर एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते किसको है, यहाँ बात है कि एटॉमिक नंबर कहते हैं किसको, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या इसको हिंदी में कहते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोटेड किया जाता है, एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, ध्यान दीजिए। एटॉमिक नंबर बाबू जो है एटॉमिक नंबर जो हम लोग कहते हैं वह किसी, हम देखे हैं कि प्रोटॉन की संख्या और एटॉमिक नंबर बराबर था, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, ध्यान दीजिए जितना प्रोटॉन है, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रेजेंट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस न्यूक्लियस द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल टोटल लगा लीजिए, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस आर कॉल्ड, हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कहते हैं। माने कि कोई भी प्रोटॉन की संख्या जितना होगा उतना ही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। तो हम लोग समझे कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। अब आगे हम लोग जो बात करेंगे, यह बात करेंगे कि आखिर एटॉमिक मास नंबर किसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम एटॉमिक नंबर कह रहे हैं और एटॉमिक मास नंबर भी कह रहे हैं, इसका कोई कारण है, तो हम लोग समझेंगे कि एटॉमिक मास नंबर किसको कहते हैं। तो हम सेकंड लिख रहे हैं एटॉमिक मास नंबर, नंबर एटॉमिक मास नंबर को ए से डिनोटेड किया जाता है, एटॉमिक मास नंबर को क्या चीज से डिनोटेड किया जा रहा है, ए से डिनोटेड किया जा रहा है। एटॉमिक नंबर को मास, इसको ए से डिनोट किया जाता है। तो हमने देखा है कि कोई भी एटम्स के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के और भी जो बाहर में रहता है वह क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। तो देखिए जितना न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या होगा और न्यूट्रॉन की संख्या होगा, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन टॉन एंड न्यूट्रॉन ऑन आर कॉल्ड, आर कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर। माने जितना उसके प्रोटॉन में जो क्या होगा कि जितना भी प्रोटॉन की जो होगा वह क्या होगा कि एटॉमिक मास नंबर होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों को ऐड करने के बाद जितना भी होगा उसका क्या कहलाएगा, मास नंबर होगा। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हमने लिखा कैल्शियम, कैल्शियम तो कैल्शियम का 20 होता है, तो बी प्रोटॉन की संख्या इसका 40 होता है, तो प्रोटॉन की संख्या जो होगा वो 20 होगा, न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, 40 माइनस 20 तो कितना होगा, 20। तो एटॉमिक मास भी इसका दोनों प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन के जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस 20, तो क्या 40 आया कि नहीं, चलिए देखिए। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड क्या जी, मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। तो हम लोगों ने देखा कि एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, इसको भी हम लोग समझ लिए। हम लोग ये भी समझे कि मैटर सबसे स्मॉलेस्ट, मैटर जो बनता है सबसे स्मॉलेस्ट, जो दुनिया में जो मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो बनता है वो एटम्स कहलाता है, एटम्स भी जो बनता है उससे भी छोटा वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ होता है। अब आगे बात करते हैं कि आखिर मास जो आया, हम लोग मास नंबर क्यों कह रहे हैं, सो समझिए। हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग चल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो रहेंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल लिए कार्बन, कार्बन कार्बन पर ही क्यों मास नंबर आया था इसको हम समझते हैं, 6 और 12 होता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है, 6 हो जाएगा, इसमें हम घटाइए लेते हैं, न्यूट्रॉन 12 माइनस ऊपर माइनस नीचे तो 6 आ गया, तो इसका 6 हो गया, 6 को न्यूट्रॉन
प्रोटॉन निकालेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। अभी हम पढ़े हैं कि एटॉमिक मास नंबर जो होता है, एटॉमिक मास नंबर जो होता है, मास नंबर जो होता है वह कितना होता है, सो समझिए। मास नंबर जो होता है न्यूट्रॉन और प्लस किसका, प्रोटॉन के बराबर होता है। एक बात और समझिए कि मास ऑफ जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास जो होता है 1.67 इंटू 10^-24 जो होता है, यह होता है -24 होता है, ठीक है। तब हम समझेंगे कि इसका ये अगर न्यूट्रॉन कितना होगा, अगर हमारा 6 न्यूट्रॉन है तो 6 न्यूट्रॉन आ एगो का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10^ कितना -12 जो भले 24 प्लस प्रोटॉन कितना है 6 है तो एगो प्रोटॉन की संख्या इतना है तो टोटल कितना है 1.67 इंटू 10^ कितना -12 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हमारा आ जाएगा 12 इंटू 1.67 इंटू 10^-24 वेरी इंपॉर्टेंट आया बात। एक बड़ी खतरनाक यहाँ से लॉजिक चीज़ निकल के आता है कि आखिर जो हम एटॉमिक मास यूनिट लिख रहे हैं, जो हम 40 लिखे हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि अगर इधर ध्यान दीजिएगा, अगर हम कार्बन का 6 तो 12 हम ग्राम नहीं लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वह यहाँ से समझ में आएगा आप लोगों को। तो देखिए इसको जो हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सो समझिए 12 हमारा तो कार्बन का जो होता है वो 12 होता है, लेकिन 12 × 1.67 इंटू 10^-24 है, मतलब कि ये जो है ये क्या है, एक्स्ट्रा है। कितना है, एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमको तो मास चाहिए था 12, लेकिन 1.67 इंटू 10^-24 ये क्या है, इतना तो ज्यादा रहा है मेरा, इतना तो मल्टीप्लीकेशन है नहीं, इसी को जो कहा जाता है AMU कहा जाता है। अब AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं समझना, तुम लोग छोटा सा AMU समझना था अलीगढ़ मुस्लिम में, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 MU = जो होता है, MU स्मॉल में लिखते हैं ज़्यादा अच्छा, AMU ए 1 MU = क्या तुम हमको राजी दे रहा है कि 1 MU = 1.67 इंटू 10^-24 होता है, जल्दी बताइए। तो एक क्या सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो निकल के आया वह यह निकल के आया है, देखिए किस प्रकार निकल के आया आपका सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ एकदम भे भी आई है कि 1 MU = जो होता है 1.667 इंटू 10^-24 होता है। तो क्या हम इसको हम लिख सकते हैं 1 MU जरूर लिख सकते हैं, तो क्या आप हमको यह बोल रहे हैं चुपचाप कि क्या सर 12 × 1 MU लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं तो आप जो हम लिखेंगे 12 AMU लिखेंगे। तो हमारा जितना भी मॉलिक्यूल्स का जो मास नंबर लिख रहे थे उस सारा का सारा क्या है MU में है, किस में है MU में है। MU बस के लिए कुछ नहीं होता है, MU एटॉमिक मास यूनिट होता है। MU क्या होता है, AMU जो होता है वो क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है, एटॉमिक मास यूनिट। बच्चों इससे भी बड़ा लेजी सब हो गया है तो एटॉमिक मास यूनिट ना लिख करके सोझे यू लिख देगा, यू सोझे क्या लिख देता है, यू लिख देता है डायरेक्ट, सोझे क्या लिख देगा, यू लिख देगा। तो क्या अब हम जब हम एग्जांपल दे रहे हैं, मान लिया जाए कि अगर हम एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर हम लिख रहे हैं कार्बन 6 12 तो हम जो मास नंबर लिख रहे थे A = 12 वो 12 नहीं है, 12 U है, या इसी को 12 AMU है,
क्योंकि एक MeU इक्वल टू कितना होता है 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 होता है। तो अब हम आगे समझे, जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि मैग्नीशियम लिए, तो मैग्नीशियम का कितना होता है 12 तो 24, तो सोझे हम A इक्वल टू क्या लिखते थे 24 नहीं है, 24 AMU है। क्या है? 24 AMU है। आया बात समझ में? हम लोगों ने क्या समझा कि जो मॉलिक्यूल्स का जो मास नंबर होगा वो किस में होगा, यूनिट में, या तो MU लिखिए तब, या A इक्वल टू 24 U लिखिए तब। ई भी सही है, U भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, MU भी लिख सकते हैं। बड़ा यहाँ आया, क्योंकि यहाँ देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि हमारा जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो है इतना आना चाहिए, हमारा तो मास नंबर इतना आना चाहिए, तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो होता है ये इसको एक एमयू इक्वल टू 1/12 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 12 से 12 कर जाएगा तो 1.6 मतलब कि 1 MU इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/12 मास कोई भी चीज़ का। इसीलिए कहा जाता है कि कार्बन का जो मास लेकर के हम लोग का टोटल एटॉमिक मास यूनिट का डिस्क्राइब किया था टोटल ने। तो हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर पहुंचा, एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि 1 MU इक्वल टू कितना आता है, तो 1.67 × 10⁻²। हम लोगों ने ये भी समझा, एक क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, एक क्वेश्चन ये भी आ चुका है, हम बताएं कि हाइड्रो किसमें न्यूट्रॉन नहीं रहता वो भी आ चुका है, तो एटॉमिक जो मास नंबर हो रहा था उसको क्या लिख दे सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं। एटॉमिक मास यूनिट को MU से भी लिख सकते हैं या U से भी लिख सकते हैं। क्या यह बात समझ में आया कि नहीं? एकदम आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे वह हमारा बात जो होगा कि अगर एक से ज़्यादा है, मान लिया जाए कि एक से ज़्यादा है, जैसे हम लिख दिए कि सी, मान लिया जाए कि CO2 लिख दिए, तो हम इसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन, इसका मास कितना होगा, इसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ये बहुत अच्छा सेशन चल रहा है, आप लोग एंजॉय कीजिए, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बच्चों आपको कैसा लग रहा है, दक्ष इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में ऑफलाइन का भी क्लास चालू हो चुका है, तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं 11 साइंस से, वो एकदम आपका क्लास ऑफलाइन चल रहा है, तो आइए, और अगर नहीं तो यूट्यूब के माध्यम से आनंद ले रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, कॉमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कॉमेंट से ही हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलता है और आगे काम करने में जो मज़ा आता है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।